क्लास सेवेंथ सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट कब कहाँ और कैसे के इस अध्याय के दूसरे भाग में हम लोग सीखेंगे कि मध्यकाल से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जान चुके हैं, अब हम लोग मध्यकाल से संबंधित ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानेंगे। इस काल से संबंधित पर्याप्त ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं। इस स्रोत को तीन प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पुरातात्विक स्रोत। इस काल की जानकारी देने के लिए खुदाई से मिली वस्तुएं तो कम है, किंतु अनेक संरक्षित स्मारक अभी तक मौजूद हैं, जिनसे हमें इस काल के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन स्मारकों में कुछ खास है बृहदेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मस्जिदें जैसे कुवत इस्लाम मंदिर, जामा मस्जिद, किले जैसे लाल किला, आगरा का किला, चित्तौड़ का किला, मकबरे जैसे हुमायूं का मकबरा, सिकंदरा स्थित मकबरा और अकबर का मकबरा तथा आगरा स्थित ताजमहल जैसे जोधपुर व जैसलमेर स्थित महल और मीनारें जैसे दिल्ली स्थित कुतुब मीनार। अभिलेख एवं सिक्के, अभिलेख के अंतर्गत चट्टानों, पत्थरों और तांबे आदि धातुओं की प्लेटें पर खुदे हुए लेख शामिल हैं। इस काल के मंदिरों, किलों और महलों आदि के स्तंभों और दीवारों पर अभिलेख पाए जा गए हैं। इनसे हमें शासकों, उनकी नीतियों, विजय अभियानों, व्यापार, किसी घटना विशेष के सही समय, राज्य की संपन्नता आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख साहित्यिक स्रोत की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि धातुओं और पत्थरों पर खुदे होने के कारण इनमें हेर फेर नहीं किया जा सकता। साहित्यिक स्रोत। प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान भारत में कागज का प्रचलन नहीं था। इस काल में लिखने का कार्य ताड़ के पत्तों, भोजपत्रों आदि पर किया जाता था। लिखने के लिए कागज का प्रयोग उत्तर मध्यकाल में शुरू हुआ। साहित्यिक स्रोत में इन रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। राजाओं द्वारा लिखित आत्मकथाएं, सरकारी अभिलेख, इतिवृत्त, धार्मिक पुस्तकें, इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और विदेशी यात्रियों के विवरण, ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और अन्य लोगों द्वारा संस्कृत में लिखी गई पवित्र धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन जारी रहा। किंतु इस काल की अधिकांश कृतियाँ अरबी और फारसी भाषाओं में लिखी गई, जो आज भी उपलब्ध है। इसके अलावा अनेक राजाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, सरकारी अभिलेख, इतिवृत्त और विदेशी यात्राओं के विवरण भी इसके बारे में हमने अधिक से अधिक जानकारी देते हैं। इसके बाद आज का गृह कार्य जो है, होमवर्क आपका, वो पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। इसमें जितने भी कंटेंट दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसको अच्छे से समझें और उसके बाद प्रश्नोत्तर बनाएं और उसके बाद प्रश्नोत्तर याद करें। इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर बनाना है, उसके बाद उसको याद करना है। और अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, समझने में कठिनाई होती है, तो बिना किसी झिझक के इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।